आधी रात के बाद राजधानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लगभग 1:55 पर महसूस किए गए झटकों की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। भूकंप के झटके रुक रुक कर कुछ सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे घरों में सो रहे लोग और दफ्तरों में नाइट शिफ्ट कर रहे लोग बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में था। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे हुई हलचल का असर मणिपुर, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर में दहशत फैल गई। नई दिल्ली स्टेशन पर भी अफरा तफरी का माहौल दिखा। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50% तक अनुदान देगी सरकार। भोपाल में कल मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। अंबानी से लेकर बड़े उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी से मुलाकात करेंगे। भोपाल में बिजली कर्मचारियों को सम्मानित करेगी सरकार। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाएगा सम्मानित। प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत सरकार कर रही है आयोजन। भोपाल के कई इलाकों में आज रहेगी पानी की किल्लत। आज नर्मदा लाइन से नहीं होगा पानी का सप्लाई। 50 से अधिक इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत। भोपाल में आज भी बिजली की कटौती। 15 से अधिक इलाकों में बिजली की कटौती। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगी कटौती। राजनांदगांव में बौद्ध धर्म सम्मेलन पर सियासी बवाल। बीजेपी ने हिंदू विरोधी शपथ लेने का आरोप लगाया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने ट्वीट कर शेयर की वीडियो। ग्वालियर में विद्युत सबस्टेशन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे नंगे पैर। कांग्रेस ने कहा विद्युत सेफ्टी एक्ट के अनुसार सबस्टेशन में बिना हेलमेट और जूतों के प्रवेश वर्जित। कार्रवाई की मांग। भोपाल में भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का तंज। भारत जोड़ो यात्रा को नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया अप्रासंगिक इवेंट। जबलपुर में मंत्री गोपाल भार्गव का भारत जोड़ो यात्रा पर हमला। कहा मुर्दे को इंजेक्शन लगाने से नहीं आती उसमें जान। भोपाल में भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में बीजेपी की रथ यात्रा। 15 नवंबर से शुरू होगी बीजेपी की रथ यात्रा। जनजाति गौरव दिवस पर शुरू होगी यात्रा। निवाड़ी में ओरछा थाने के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और कार में हुई भिड़ंत। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिलासपुर में जुआरियों पर पुलिस की रेड। 11 जुआरी गिरफ्तार। जुआरियों से 7,790 रुपए जब्त। महासमुंद में सिख समाज ने धूमधाम से मनाया गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। दोपहर में लंगर का भी व्यवस्था की गई। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी आज 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली हमीरपुर में सुबह 11 बजे और दूसरी रैली दोपहर 12:30 बजे शाहपुर में होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शिमला और सोलन के नालाबाड़ में चुनावी जनसभाएं करेंगे। खड़गे के अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जनसभा में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनावी गहमागमी और के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सड़क पर एक खराब बस को धक्का देते हुए नजर आए। बिलासपुर हाईवे पर बस खराब होने से ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने धक्का लगाया। मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने धुमारवी, झंडूता और सदर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी आज हिमाचल प्रदेश में रोड शो करेगी। आप नेता संजय सिंह फतेहपुर तो पंजाब के मंत्री अनमोल गगन कोटा साहिब और नालागढ़ में रोड शो करेंगे। जोधपुर में पानी विवाद में खूनी जंग। तीन युवकों ने सरिये से दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। धरने पर बैठे मृतक युवक के परिजन कर रहे मुआवजे की मांग। मामले में अब तक 3 युवकों की हुई गिरफ्तारी। मंगलवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा। भारत, चीन, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में चंद्र ग्रहण देखा गया। कोलकाता, पटना, रांची, लखनऊ में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा।
चंद्रग्रहण की तस्वीरें लोगों ने अपने कैमरे में कैद की। कई जगहों पर लोगों ने टेलीस्कोप की मदद से चंद्रग्रहण का नजारा देखा। पूर्ण चंद्रग्रहण की ऑस्ट्रेलिया से खूबसूरत तस्वीर सामने आई। ऑस्ट्रेलिया में चांद पूरी तरह से लाल नजर आया, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन के पास झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। 6 ट्रेनों का रूट बदला, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। पटना के सिपारा में अवैध तेल डिपो में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। एक के बाद एक हुई कई धमाकों से दहल उठा इलाका। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने के दौरान हुए ब्लास्ट का एक वीडियो भी सामने आया। मुंबई के गोवा हाईवे पर भालू से भरा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी में 80 दिनों से फंसे 16 भारतीय नाविकों को निकालने की कोशिशें तेज। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों को 2-2 जवाब दिया। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध पर कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के रुख में आई नरमी। जेलेंस्की ने रूस से बातचीत की अप्रोक्ष इच्छा जताई है। पुतिन पर सशर्त बातचीत का दबाव बनाने के लिए जेलेंस्की ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से अपील की है। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने इतिहास रचा। फिल्म जापान में बाहुबली 2 को टक्कर देकर बनी दूसरी महंगी फिल्म। भोजपुरी के मेगास्टार रवि किशन की पहली पैन इंडिया फिल्म गोरखपुर का पोस्टर आउट हो गया है। फिल्म हिंदी समेत कई भाषाओं में होगी रिलीज। वरुण धवन और कृति सैनन की फिल्म भेड़िया का नया गाना अपना बना ले हुआ रिलीज। गाने को अब तक लाखों लोग कर चुके हैं पसंद। रैप रियलिटी शो एमटीवी हसल 2.0 के विजेता बने हरियाणा के एमसी स्क्वायर को क्रिकेटर विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर फॉलो किया। कैटरीना कैफ की फिल्म फोन भूत ने चौथे दिन महज 1,32,00,000 का कलेक्शन किया। फिल्म अब तक 9 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उनके लाखों फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हुए। रेड डीप नेक ड्रेस में नूरा फतेही ने कराया फोटोशूट। इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटोज किया पोस्ट। कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग में बिजी हैं। इसी बीच कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें वो अपनी लग्जरियस कार लैम्बो को ड्राइव करते हुए नजर आए। सोनाक्षी सिन्हा अपनी फिल्म डबल एक्सल की पोस्ट प्रमोशन में जुटी। इसी बीच सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर दिल्ली प्रमोशन की कुछ फोटोज शेयर की, जिसमें वो फ्लोरल ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत नजर आई। ईशा गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर शेयर किए हैं, जिनमें वो मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी से मिलने उनके घर लखनऊ जा पहुंची, जिनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मोनिका ओ माई डॉर्लिंग के प्रमोशन में बिजी। इसी बीच हुमा ने सलवार सूट में फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की। रणवीर सिंह अपने यूनिक फैशन सेंस की वजह से जाने जाते हैं। इसी बीच मिस्टर रणवीर सिंह ने अपने